अस्सलामु अलैकुम। यह है जी यूरो का चार्ट, फ़िलहाल 1735 के आसपास चल रहा है। कल तकरीबन 1750 के आसपास के हाई बनाए हैं यूरो ने, तो कल हमारी रेजिस्टेंस यही थी। आज हमारी रेजिस्टेंस क्या रहेगी और ट्रेंड क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यूरो में आज हमारी रेजिस्टेंस सेम है जी 1750-55 की। अगर 1750-55 ब्रेक करता है तो यूरो 1775, 1790 और 1800 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी आज राउंड फिगर 1700 की। अगर 1700 यूरो ब्रेक करता है ये वाला लेवल तो दोबारा से 1680 और 1665 तक जा सकता है। फिलहाल यूरो का ट्रेंड यानी कि आप कह सकते हैं कि साइडवेज टू नेगेटिव ही है। अब हम चलते हैं जी पाउंड पर। तो ये है पाउंड का चार्ट। शाम को मैंने अपडेट किया था, 37-45 के आसपास चल रहा था, 37-50 की ही मैंने आपको रेजिस्टेंस दी थी। ठीक है जी, तो अभी भी हमारी रेजिस्टेंस इंटैक्ट है पाउंड में। मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 37-50 की। अगर 37-50 ब्रेक करता है पाउंड तो 37-80 और 3800 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो भी सेम इवनिंग वीडियो वाली है 1380 की। अगर 1380 ब्रेक करता है तो दोबारा से 3650, 3640 और 3600 की तरफ जा सकता है। फिलहाल पाउंड का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ये है जी यूएसडी जेपीवाई, एक ज़बरदस्त बाइंग आई। कल ही आपको बता दिया था कि पॉजिटिव है, तो फिलहाल 110-53 के आसपास, 50 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी यही है, लेकिन हमारी रेजिस्टेंस आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लाइटली ऊपर रहेगी। मैं लिखकर आपको बता देता हूँ, यूएसडी जेपीवाई में आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 110-80 की। अगर 110-80 ब्रेक करता है तो फिर 111 और उसके ऊपर जा सकता है। दूसरी साइड पर सपोर्ट जो हमारी रहेगी वो रहेगी 110-10 की। अगर ये ब्रेक करता है दोबारा से तो दोबारा से फिर 109-70 और 109-50 की तरफ जा सकता है। फिलहाल यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड पॉजिटिव है। ये है जी सिल्वर का चार्ट, 23-71 के आसपास चल रही है, तो इसमें भी कुछ लेवल हमारे चेंज नहीं हुए। अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड के मुकाबले में इसमें कुछ ज़्यादा गोल्ड जितनी मूवमेंट इसमें हमें नज़र नहीं आई। तो रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हमारी $23 की। 23 ब्रेक करती है तो 23-15 और 23-50 तक जा सकती है। सपोर्ट जो अभी भी हमारी वैलिड है $22.35 की। अगर 22-35 ब्रेक करती है तो $22 तक जा सकती है। फिलहाल सिल्वर का ट्रेंड वीक ही है। यह है जी यूएस ऑयल का चार्ट। थोड़ा सा इसको मैंने क्लोज इसलिए किया कि मैं आपको ये हाई दिखा सकूं, क्योंकि ये हमारी आज की रेजिस्टेंस रहेगी। लिखकर बता देता हूं, आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी क्रूड ऑयल में वो रहेगी $74.20। अगर 74-20 ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर $75 और $76 की तरफ जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज वो रहेगी $72.20 की, जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी। अगर 72-20 ब्रेक करता है तो दोबारा से 72, 71 और $70 की तरफ जा सकता है। फिलहाल जो ट्रेंड है वो क्रूड ऑयल का वो पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।